बात करने के लिए लॉगिन करें www.s। शरद पूर्णिमा जो है वो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा इसको मानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की तिथि का महत्व क्या है। देखिए, शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं और बहुत ही चमत्कारी भी मानते हैं। इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है ऐसा भी माना जाता है। चंद्रमा इस दिन संपूर्ण होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है। देखिए, चंद्रमा हर पूर्णिमा पर संपूर्ण होता है, हर पूर्णिमा पर चंद्रमा कंप्लीट होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा सारी कलाओं से युक्त होता है, इसीलिए इसको साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और इस अमृत से आपको धन मिलता है, आपको प्रेम मिलता है और आपको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। चंद्रमा इस दिन इतना ज्यादा परिपूर्ण होता है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने की वजह से भगवान कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। महारास एक बहुत विशेष प्रक्रिया है भक्त और भगवान के बीच में, और ये एक विशेष प्रक्रिया कि भगवान सबको लगे कि केवल मेरे हैं, ये भाव महारास में पैदा होता है। और इस भाव के लिए जिस दिन का चुनाव किया गया था वो दिन भी शरद पूर्णिमा का दिन है। अगर आप शरद पूर्णिमा पर विशेष प्रयोग करते हैं तो आपको बेहतरीन स्वास्थ्य मिल सकता है, अपार प्रेम मिल सकता है और बहुत सारा धन भी पाया जा सकता है, ये संभावना बनती है शरद पूर्णिमा पर। यानी ये दिन केवल प्रेम के लिए और धन के लिए नहीं है, ये दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, वो अमृत आपको आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में काफी फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप शरद पूर्णिमा पर प्रयोग करने जा रहे हैं तो कुछ सावधानियों और कुछ नियमों का आप पालन करेंगे। अगर आप कुछ सावधानियों का और कुछ नियमों का पालन करेंगे तो शरद पूर्णिमा का पर्व आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस बार शरद पूर्णिमा का जो अवसर है वो 9 अक्टूबर की रात को है, यानी 9 अक्टूबर की मध्य रात्रि में आप शरद पूर्णिमा से संबंधित प्रयोग अपने कर सकते हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा पर पूरी तरह से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि शरद पूर्णिमा पर आपको पूरा फायदा हो तो इस दिन उपवास रखिएगा, जल ग्रहण करके फल ग्रहण करके। उपवास हो सकता है आप ना रख पाए, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना हो या आपकी कोई और व्यस्तताएं हो, ऐसी स्थिति में इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। शरीर के शुद्ध रहने से और खाली रहने से आप अमृत की प्राप्ति ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, इसलिए सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा अगर करना है, नहीं तो जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा ताकि शरीर आपका शुद्ध रहे, खाली रहे, आप अमृत की प्राप्ति ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाए। शरद पूर्णिमा पर अगर आपको वस्त्र पहनने हैं पूजा उपासना करने के लिए तो काले रंग के वस्त्र का प्रयोग मत करिएगा, चमकदार सफेद रंग के अगर कपड़े पहने, ब्राइट वाइट कलर के कपड़े या ब्राइट गुलाबी कलर के कपड़े या ब्राइट पीले कलर के कपड़े अगर आप पहने तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। रंगों के अंदर एक ताकत होती है,
अच्छी और बुरी ऊर्जा को खींचने की। तो जब आप काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो शरद पूर्णिमा की शुभता का फायदा नहीं होगा आपको, इसीलिए आपको खूबसूरत और ब्राइट कपड़े पहनने हैं ताकि उनके रंगों के माध्यम से आपके अंदर शुभता आ सके।